कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम धमाके में जांच की सुई क्षत विक्षत शव के चारों ओर घूम रही है। खुद लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एंटी सेबोटाइज्ड टीम और बम डिस्पोजल टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। घटनास्थल से संदिग्ध व्यक्ति का शव मिला है, वो इस घटना से काफी करीबी रूप से जुड़ा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मरने वाला शख्स ही बम लेकर आया था, उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है ताकि घटना की तह तक पहुंचा जा सके। देखो कल 12:22 पे ये ब्लास्ट हुआ था और ये पब्लिक टॉयलेट है सेकंड फ्लोर पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, उसके साथ रिकॉर्ड रूम था। तो वहां जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बात आई, मुझे ऐसे ही लगा और बाकी भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे सीन ऑफ क्राइम जो एग्जामिन किया कि जो बंदा कोई क्रिमिनल था या ऐसा था उसी के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आया। वो हैंडलर ही खुद वहां वो उसकी डेथ हुई, ये हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बता रही थी। उसी की फर्दरेंस में हमने जब उसका अब इन्वेस्टिगेशन आगे लेके गए हैं, सीन ऑफ क्राइम को अच्छी तरह से देखा जा रहा है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, बॉम्ब एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, वो सारे वहां से हम मटीरियल इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमें काफी वाइटल क्लूज मिले हैं और उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि देखो इतनी जल्दी अनरेवल करना या बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जितनी ज्यादा वेरीफाइड बात ना हो, बट डेफिनेटली हमारे पास अच्छे क्लूज हैं और हमें उस पर वर्क कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे और जैसे ही कोई प्रोग्रेस होएगी तो आपसे शेयर करेंगे। टोटल एक बंदे की डेथ हुई और 6 इंजर्ड है और 6 सारे इंजर्ड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई रूमर वाली बात नहीं है। बाकी सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हम कर रहे हैं।